वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग। यार तो हम लोग का दूनागिरी का ट्रिप हुआ है यहाँ से समाप्त, और यार हाँ यहाँ से हम लोग जाएंगे अल्मोड़ा की तरफ, बट बीच में यार हम लोग का एक हॉल्ट है और वो होगा कौसानी में। यार कौसानी किसी को नहीं पता है, इट इज़ नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। सो या हम लोग वहाँ पे जाएंगे, टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे एंड देन वहाँ से अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे। और ये पूरा ब्लॉग पूरा कौसानी को डेडिकेट कर रहा हूँ यार मैं, बिकॉज बहुत अच्छी जगह है। सो या जस्ट स्टे ट्यून और व्यूज के मजे लो यार पूरे वीडियो में। सो गाइस यार हम लोग पहुंच चुके हैं यार कौसानी, और यार पूरा जितनी जानकारी यहाँ पे पहुंचने की है फ्रॉम दूनागिरी तो मैंने अभी तक आपको पता चली गई होगी। तो यार कौसानी पहुंच के यार हम बहुत ज़्यादा कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, बट हमारे पास कुछ लिमिटेड टाइम है तो थोड़ी थोड़ी जगह जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फेमस है शॉल फैक्ट्री है यार यहाँ पे, तो शॉल फैक्ट्री अगर आना चाहो तो आप इधर आ सकते हो, और बहुत वैरायटीज़ के शॉल मिल जाएंगे, रेंजेस भी बहुत सारी होंगी, प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 600-700 to 12,000। बट एनीवे चलिए आपको मैं ले चलता हूँ नीचे, यहाँ पे ही जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे नीचे ही एक शॉल फैक्ट्री का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होती है शॉल्स की, तो बाय हैंड कर रहे हैं यार ये, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ और जो भैया पूरा बताएंगे तो वो भी दिखाता हूँ अभी। चलते हैं नीचे आप। ये कब से बना रहे हो भैया इधर? 10 साल हो गए। 10 साल सेल्फ डिजाइन डलेगा तो पैरों का हिसाब देखना आपको। अच्छा, जैसा कलर कॉम्बिनेशन डालना है आपको वॉल्यूम में चेंज कर दोगे जैसा आपको कलर चाहिए। अच्छा, अगर सेल्फ डिजाइन डालना तो पैरों का हिसाब देखना, अगर कलर कॉम्बिनेशन डालना है इसमें चेंज हो जाएगा, अगर हाथ की डिजाइनिंग है हाथ के आप इसमें बुनाई करते जाओगे, एक बार इससे टाइट करोगे फिर बुनाई होगा आपका। अच्छा, ये धागे को आपको बराबर करेगा, इसमें एक हाथ बराबर चाहिए। हाँ। टाइट लूज होगा तो इधर फर्क पड़ जाएगा और पैरों का हुआ इसका। अच्छा, जैसे पैर चलेगा तो उसी हिसाब से आपको स्टार्टिंग में बनाना है आपको। ओके। और इसमें एक हाथ बराबर चलेगा तो आपका ये पूरा पीस प्रॉपर आएगा आपका। हाँ। हैवी डिजाइन हो जाएगा उसमें पेटल दो कर देंगे, इधर ग्राफ सेट कर देंगे, क्योंकि हाथ से उतना बारीक डिजाइन बनेगा नहीं। हाथ का डिजाइन आएगा थोड़ा मोटे में ही आएगा आपका, जितना थ्रेड इसका लाइट वेट होता रहेगा उस हिसाब से इसका कॉस्ट बढ़ता रहेगा। अच्छा, कितना टाइम लग जाता है एक शॉल बनने में? ऐसे सर ग्राफ वाला है तो आपका 15-20 पीस बन जाएगा, हाथ वाला है तो 2-3 पीस बन जाएगा, 4 पीस बन जाएगा जिस एक दिन में। एक दिन में जिस हिसाब से आपकी डिजाइनिंग होगा उतना टाइम लगेगा। अच्छा, यही बना हुआ है ये शॉल वाला, इसको टच करके रखो। A few moments later. Alright, yeah, तो जो शॉल फैक्ट्री थी उसके जस्ट ऑपोजिट टी गार्डन का रास्ता ऊपर जाता है, तो हम लोग अब टी गार्डन जा रहे हैं यार। ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो मतलब यू कैन नॉट मिस दिस स्पॉट इफ़ यू आर इन कौसानी, तो ज़रूर आना यहाँ पे अगर आप लोग आते हो तो। एंड कितने लोग आ चुके हैं तो कमेंट डाउन बिलो कि अगर आप लोग इधर तक अगर आ चुके हो पहले तो। चुन्नू हमारे पास लटक गई पीछे। चले चले जुन्नू, टी गार्डन एंड टी फैक्ट्री है यार ऊपर, तो हम लोग अभी ऊपर जाएंगे तो यार इसकी प्रोसेसिंग भी आई थिंक हम लोग को शायद देखने मिल सकती है, तो टी गार्डन पे। लाइब्रेरी बन रही है ये। अच्छा, ये क्या है फिर साथ में? ये चाय बिकेगी इसमें। चाय, ओहो हो, चाय चाय पकड़ो और किताबें पढ़ो। चाय भी करोगे? यही होगा, चाय पकड़ो और किताबें पढ़ो। तो ये सब हाथ से बना है, मशीन से बना है ये जो डिजाइन डिजाइन बनी जो ये अच्छा ये चाय है, ये चाय है, ये ढाई वाली घरे तोड़ते हैं, ढाई वाली, ढाई वाली क्या, ढाई पत्ती है। ओ भाई साहब, इतना प्रिसीजन चाहिए? ये है ढाई पत्ती, ये ढाई पत्ती, ये ढाई पत्ती। अब इसकी क्या बनेगा, पत्ते वो बन जाएगा, इसका सुखाएं काटेंगे सुखाएंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित कौसानी एक मनोरम हिल स्टेशन है जो हिमालय के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।
समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर बहुत कम अन्य स्थान हैं जो त्रिशूल, नंदा देवी और पंचचुली की राजसी हिमालय की चोटी का शानदार 300 किलोमीटर के पैनोरामिक व्यूज हमें देते हैं। कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां पे लश ग्रीन लैंडस्केप्स, डेंस ट्रीज और साइलेंट वैलीज हैं जो कौसानी को बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन बनाती हैं। कौसानी पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है जो लगभग 170 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है जो लगभग 140 किलोमीटर दूर है। काठगोदाम दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों से कौसानी के लिए बसों के साथ साथ टैक्सियाँ भी आसानी से उपलब्ध हैं। कौसानी सड़क मार्ग के अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और दिल्ली, अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे स्थलों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि आप कौसानी में एक या दो दिन के लिए हैं तो कुछ जगह जहां आप जा सकते हैं वो हैं अनासक्ति आश्रम, रुद्रहारी फॉल्स, कौसानी टी एस्टेट, स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी, कौसानी प्लानिटेरियम और वगैरह वगैरह जैसी जगह। ये क्या किया भे? ये क्या है? इतना दीदी नहीं है तुम्हारी वो? जो यार टी गार्डन तो हमने देख लिया यार, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स भी ले लिए यार। एंड यार मतलब बेस्ट शॉट तो जो मेरे को वो लगा ना अभी तक, अगर अभी तक वो तो आपने देखा कि जो हम लोग, मैंने एक वो लिया था कि हम चार लोग खड़े थे एंड पीछे जा रहे थे ड्रोन, दैट वाज द बेस्ट शॉट आई थिंक। एंड वहाँ पर पिक्चर्स विक्चर भी थोड़ी बहुत अच्छी आई हैं। एंड हाँ, हम तो फिर इसके नीचे आके अब जा रहे हैं यार इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने, इसकी प्रोसेसिंग देखने की टी कैसे बनती है। लेट्स गो। तो यार यहाँ से जो भी चाय पत्ती बनती है ना, मतलब इंडिया में तो खैर यूज़ होती ही होती है एंड साथ साथ में यार मतलब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मतलब बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में इंपोर्ट भी कराई जाती है। बहुत फेमस है यार, मतलब हर प्रकार की टी है। और सबसे बड़ा यार ये जो इनका गार्डन है, ये मतलब पूरे 208 एकड़ में फैला हुआ है टी गार्डन, तो बहुत वास्ट है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड यार स्मेल जो आ रही थी ना उन पत्तियों के बीच में, वो काफ़ी वराइटीज़ की स्मेल थी एंड कहीं पर जो मसाला थी अलग थी, यहाँ पे मतलब सब कुछ अलग अलग था यार। तो बहुत सही है टी गार्डन इधर का भी यार, मस्ट मस्ट विजिट प्लेस आई वुड से। या तो टी गार्डन हम लोग को यार ख़त्म हो गया है यार, और यार टाइम नहीं था मेरे पास ज़्यादा, तो कौसानी में ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं कर सकता, नहीं कर पाया। सो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ यार कौसानी का व्लॉग मैं। एंड कल का हमारा जो प्लान है वो है कि हम लोग अल्मोड़ा में एक तो टेंपल, बहुत फेमस टेंपल्स हैं तो उधर जाएंगे। एंड तब तक बने रहिए चैनल में, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फैमिली ग्रो करते हैं हम सब, मैं आप सब लोग मिलके। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्मोड़ा के टेम्पल्स देखते हैं एंड मज़े करते हैं। टाटा कर दो, टाटा टाटा।